परेशान हाल आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बात बन गई। मुआहिदा तय, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी, पेट्रोल पंप खोलने का ऐलान कर दिया। डीलर्स ने मार्जिन 6% का मुतालबा किया था, हुकूमत ने तआवुन की यकीन दहानी करा दी। खानेवाल, कहरो पक्का हो या बिहाड़ी, पेट्रोल पंप होने से शहरियों को सारा दिन रही दुश्वारी। कहीं पेट्रोल पंपों के गिर्द कनाते तो कहीं माफिया ने लगाई दिहाड़ी। हड़ताल के बाद माफिया ने ब्लॉक में पेट्रोल 200 रुपए लीटर तक बेचा। मुल्क मैशत जमूत का शिकार, असातजा, किसान, मजदूर, डॉक्टर, वकील, ताजी बरादरी सभी तो एहतजाज पर हैं। काबीना स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर रही है। खानपुर में सरबरा PTM मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, बोले आए रोज मगरिब को खुश करने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ मगरिबी दुनिया के गुलाम है, जब खत्म नबूवत और जहाद का इंकार आ जाए तो समझ लें कि दीन का इंकार आ जाता है। खानपुर स्टेडियम सिटी पार्क में जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की खसूस शिरकत। नाजिम खत्म नबूवत मौलाना अल्लाह बसाया, अमीर तहफ्फुज नबूवत मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, मारूफ मजहबी रहनुमा मौनी सनस नौरानी समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हल्के रेगजारों में रोशनियों का शहर आबाद, रात को पंडाल जगमगा उठा। मुजफ्फरगढ़ में छठी तल जीप रैली का आगाज, इंतजाम मुकम्मल, गाड़ियों के फराटे भरने के लिए 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। लैया चुबारा के सहारा पर जंगल में मंगल का समा। छांगा मांगा टीला हेड मोहम्मद वाला पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर्स का तबी मुआयना, आज क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा। जीप रैली में मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा लेंगे। कुशागा रोड भी मुल्तानियों की परेशानी ना कम कर सकी। सईदाबाला बाईपास चौक मुल्तान पर तजावजात माफिया का राज, बिजली के खंभे और रिक्शों की पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल ज्यों के त्यों। रोड अपग्रेडेशन भी ट्रैफिक लगाने में बेहतरी ना ला सकी। उधर मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर पुख्ता तामीरात मसमार, रेढ़ियां और तजावजात हटा दी गई। मुल्तान में फराइज की अदायगी में गफलत बरतना महंगा पड़ गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम इन एक्शन, फेंसा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर शहबाज बुस्तार को मुआफ़ कर दिया गया। डॉक्टर शहबाज बुस्तार के खिलाफ इकदाम पीटा एक्ट 2006 के तहत किया गया। मुल्तान पीपी 216 के मकीनों को मिलेंगी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। जच्चा बच्चा सेंटर दहली गेट को टाउन अस्पताल पर अपग्रेड करने का फैसला। तर्जुमान वजीर आला नदीम कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम का सेंटर का दौरा, कहा कि टाउन अस्पताल बनने से निश्तर अस्पताल का दबाव कम होगा। मुल्तान के 20,000 वोटर्स के वोटिंग के हक से महरूम होने का खदशा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान सलीम अख्तर खान ने खतरे से आगाह कर दिया। वोट की मुंतकला इंदराज कराने के लिए हेल्पलाइन दे दी गई। नई हाउसिंग सोसाइटीज बनने से 8 मौजाजात के शहरों ने मुंतक कर दिया। उधर यजमान ने वोट अंदराज तस्ही और अखराज वोट के लिए टीमें तश्कील। खानेवाल बल्दिया का बजट इजलास, मछली मंडी में तब्दील, काउंसलर्स ने झगड़ा, एक दूसरे को खूब सलावाते सुनाए। बजट मंजूर ना होने पर तहरीक इंसाफ के मेंबरान का वॉकआउट, मुस्लिम लीग रूम के काउंसलर्स ने बजट नामंजूर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद भी गैर कानूनी चेयरमैनशिप करने का भी इल्जाम। आवाम पर महंगाई का एक और वार, चाय की चुस्कियों के भी बढ़ गए दाम। रहीम खान ने चाय पी कप 15 रुपए महंगा हो गया। चाय का जायका और खुशबू बनाने वाली सब्जा इलायची तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म कर दी। 1 दिसंबर से पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त दाखिले की इजाजत। सऊदी अरब आने वाले अफराद को 5 रोज के लिए क्वारंटीना में रहना होगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से अहम ऐलान। गवर्नमेंट जूनियर एलिमेंट्री स्कूल गुलबर्ग भावलपुर रोड में तालिबात के लिए फन गाला। सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब डॉक्टर इख्तिशाम अनवर की शिरकत, कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियां और गैर निसाबी किताबें पढ़ना जरूरी होता है।
मुस्तहिक बच्चों का रखना है ख्याल, मुल्तान के तलबा ने दिखाया कमाल। स्कूलों में सजा लिए खाने पीने के स्टॉल्स, तलबा का पैसे इकट्ठे करके गरीब बच्चों की मदद का ऐलान, कहा कि बच्चों को सर्दी के कपड़े लेकर देंगे। डेरा गाजी खान डिवीजन से इंटर डिवीजन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए टीम रवाना, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान ने ख्वाहिशात का इजहार किया, कहा नौजवानों ने मेहनत की है, उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेंगे, साइकिल रेसेस भी चैंपियनशिप जीत का मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरासा।